आसमान की तरफ देखते हुए कई बार हमारा मन कई सवालों से भर जाता है, जैसे कितना बड़ा है यह संसार, क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है। ऐसे ही कई अनगिनत सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश मनुष्य लगातार कर रहा है। हम अंतरिक्ष के कई रहस्यों को सुलझाने में सफल रहे हैं, पर अभी भी हमारा ज्ञान ब्रह्मांड के बारे में विशाल समुद्र के सामने सुई की नोक के बराबर है। ब्रह्मांड के बारे में हम कितना जान पाएंगे, ये तो बात की बात है। आज मैं आपको सौरमंडल के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज, मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने सबसे करीबी पड़ोसी चांद से। चांद पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और ये लाखों सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। चांद सदियों से सुंदरता का पर्याय रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये हमारा सुंदर पड़ोसी हमसे दूर जा रहा है। चांद हर साल पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है, और इसका कारण है धरती और चांद के बीच गुरुत्वाकर्षण का असर। हम सब जानते हैं कि धरती और चांद दोनों गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। धरती चांद को गुरुत्वाकर्षण के असर से अपनी ओर खींचता है और चांद धरती को अपनी ओर खींचता है। चांद के गुरुत्वाकर्षण के असर की वजह से धरती पर ज्वार उत्पन्न होता है और इस ज्वार की वजह से समुद्र की सतह में उभार पैदा होता है, जो धरती का आकार कुछ कुछ अंडे की आकार जैसा कर देता है। अब ये उभार अगर चांद के ठीक नीचे होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन धरती भी अपनी धुरी पर घूमती है। धरती 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक बार घूमती है, वहीं चांद धरती का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। धरती की अपनी धुरी पर घूमने की गति चांद की परिक्रमा करने की गति से काफी तेज है, जिसकी वजह से ये उभार चांद से आगे रहता है, और इस उभार में भी गुरुत्वाकर्षण होता है जो बहुत कम है, पर अपना थोड़ा असर चांद पर डालता है, जिससे चांद को वो अपनी तरफ खींचता है और चांद की गति को तेज कर देती है। हालांकि ये गति में तेजी बहुत ही मामूली होती है, पर ये चांद के परिक्रमा पथ को बदलने के लिए काफी है, और इसी गति में वृद्धि की वजह से चांद अपने परिक्रमा पथ से हर साल 3.8 सेंटीमीटर बाहर की तरफ चला जाता है। इतना ही नहीं, चांद दूर जाते जाते धरती की अपने धुरी पर घूमने की गति को धीमा करता जा रहा है। जिस तरह से धरती पर यह ज्वार का उभार चांद को अपनी तरफ खींचकर चांद की गति तेज कर रहा है, ठीक इसी तरह से चांद भी इस उभार को अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण से खींचकर पृथ्वी की अपने धुरी पर घूमने की गति को धीमा कर रहा है, और इसी की वजह से हर 100 साल पर धरती पर दिन 1.7 मिलीसेकंड लंबा हो जाता है। तो चांद के दूर जाने से ना सिर्फ हमारे दिन लंबे होते जाएंगे, बल्कि ऐसे कई प्रभाव और दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे बड़ा प्रभाव होगा सूर्य ग्रहण पर। आज चांद धरती से उचित दूरी पर है, जहां चांद और सूरज दोनों एक समान एक आकार के दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से पूर्ण सूर्य ग्रहण हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे चांद दूर जाएगा, इसका आकार छोटा होता जाएगा और पूर्ण सूर्य ग्रहण कभी भी संभव नहीं होगा, और भविष्य में मौजूद सभ्यता कभी भी पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं देख पाएगी। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि चांद अगर हमसे दूर जा रहा है तो क्या ये पृथ्वी को छोड़कर चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे चांद धरती से दूर जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का ये असर कम होने लगेगा, और साथ ही साथ पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति भी इतनी धीमी हो जाएगी कि ज्वार का ये उभार चांद के ठीक नीचे आ जाएगा, और अब ये चांद की गति को नहीं बढ़ाएगा, और तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जब धरती की अपने धुरी पर घूमने का समय और चांद का धरती का परिक्रमा करने का समय बराबर होगा। इस स्थिति को टाइडल लॉकिंग कहते हैं, और इस स्थिति में चांद पृथ्वी के एक तरफ ही दिखाई देगा, यानी कि उस वक्त अगर मनुष्य पृथ्वी पर मौजूद होगा तो उसे चांद धरती के एक हिस्से में ही दिखाई देगा, और दूसरे हिस्से में रहने वाले लोगों को चांद देखने के लिए यात्रा करके धरती के उस ओर जाना होगा जिस तरफ चांद है। लेकिन दोस्तों, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होने में लाखों वर्ष का समय लगेगा, और तब तक हम चांद की सुंदरता को निहार सकते हैं। नंबर 2 पर है, मंगल ग्रह के पास भी होगा अपना छल्ला। हमारे सौरमंडल के सभी बड़े ग्रहों जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के चारों ओर एक सुंदर रिंग यानी कि छल्ला मौजूद है, लेकिन अब ये छल्ला शायद इन चारों ग्रहों तक सीमित नहीं रहेगा। संभावना है कि हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल भी भविष्य में एक छल्ला धारण कर ले। मंगल के पास 2 उपग्रह यानी कि 2 चांद मौजूद हैं, फोबोस और डीमोस, जिसमें से फोबोस बड़ा है और मंगल ग्रह के काफी करीब परिक्रमा करता है।
फोबोस मंगल की परिक्रमा काफी तेजी से करता है। ये एक दिन में दो बार मंगल ग्रह की परिक्रमा कर लेता है और ये उपग्रह तेजी से मंगल ग्रह की तरफ गिरता जा रहा है। पहले ये माना जाता था कि लाखों सालों के बाद ये उपग्रह मंगल ग्रह से जा टकराएगा, पर अब किए गए नए रिसर्च से पता चला है कि हो सकता है कि फोबोस मंगल ग्रह से टकराने के पहले ही मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के असर से टूटकर बिखर जाए और ये टुकड़े मंगल ग्रह के चारों तरफ एक छल्ला बना दे। इस उपग्रह का टूटना या टकराना इस बात पर निर्भर करेगा कि यह उपग्रह कितना मजबूत है, लेकिन हम शायद यह छल्ला कभी ना देख पाए क्योंकि इस प्रक्रिया में लाखों साल का समय लगेगा। नंबर तीन पर है चांद पर जीवन। जब पृथ्वी के बाहर जीवन की बात होती है तो सबसे ज्यादा चर्चा मंगल ग्रह की जाती है, लेकिन नए खोजों से पता चला है कि जीवन की संभावनाएं सौरमंडल में अन्य स्थानों में भी हैं और इनमें से प्रबल दावेदार हैं कुछ ग्रहों के चांद। हमारे चांद पर तो जीवन पाए जाने की संभावना ना के बराबर है, पर हमारे सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह यानी कि उनके चांद पर जीवन संभव हो सकता है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके पास 67 उपग्रह हैं, जिसमें से आयो, यूरोपा, गाइनामिड और कलिस्तो इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं। इन्हें गैलिलियन मून भी कहा जाता है क्योंकि इनकी खोज गैलीलियो ने की थी। इनमें से यूरोपा एक ऐसा उपग्रह है जिस पर जीवन होने की सबसे ज्यादा संभावना बताई जाती है। ये बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे चांद से थोड़ा ही छोटा है। माना जाता है कि इसकी सतह ठोस बर्फ से बनी है और माना जाता है कि इस बर्फीले सतह के कई किलोमीटर नीचे एक तरल समुद्र मौजूद है और शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि इसके समुद्र में वो रसायन मौजूद है जो जीवन की उत्पत्ति के लिए अनुकूल है। इसके पास बहुत ही पतला वातावरण मौजूद है जो मुख्यतः ऑक्सीजन से भरा हुआ है। ठीक इसी प्रकार बृहस्पति का पड़ोसी ग्रह शनि के पास भी 62 उपग्रह है, जिसमें से टाइटन सबसे बड़ा है। टाइटन को ग्रह जैसा उपग्रह कहा जाता है क्योंकि ये एकमात्र उपग्रह है जिस पर पर्याप्त और घना वातावरण मौजूद है। टाइटन पृथ्वी के उपग्रह चांद से 80% ज्यादा बड़ा है और इसका वातावरण पृथ्वी से 1.45 गुना ज्यादा घना है। पृथ्वी की तरह ही टाइटन के वातावरण में नाइट्रोजन भारी मात्रा में मौजूद है। नाइट्रोजन की मात्रा इसकी वातावरण में 98% तक है और 1.6% मीथेन और 1.4% हाइड्रोजन मौजूद है। टाइटन पर तरल पानी होने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कैसिनी और ह्यूजन प्रोब से 2008 में टाइटन पर तरल हाइड्रोकार्बन के तालाब होने की मौजूदगी का पता चला है। हालांकि टाइटन सूरज से काफी दूर है और काफी ठंडा है, लेकिन इस पर वातावरण की मौजूदगी और तरल मीथेन और इथेन के तालाबों की मौजूदगी की वजह से वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वहां जीवन हो सकता है, लेकिन ये जीवन पृथ्वी में मौजूद जीवन से अलग होगा और वहां के वातावरण के अनुकूल होगा। नंबर चार पर है काइपर घेरा। एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह घेरे के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इससे भी 20 गुना बड़ा और 200 गुना विशाल का एक और घेरा मौजूद है जो नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह के बाद से शुरू होता है और इसे काइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। काइपर बेल्ट की मौजूदगी की भविष्यवाणी जेराल्ड काइपर ने की थी और इसकी खोज डेविड ज्विट और जेन लू ने मिलकर 1992 में की। प्लूटो यानी कि यम ग्रह भी इस काइपर बेल्ट का ही हिस्सा है। जब प्लूटो की बात चल ही रही है तो मैं आपको प्लूटो के बारे में एक और बात बता दूं। प्लूटो अब ग्रह नहीं माना जाता है। 2006 से पहले जिन्होंने साइंस की किताबें पढ़ी होंगी उन्हें याद होगा कि साइंस बुक में सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल में 9 ग्रह बताए गए थे, जिनमें प्लूटो यानी कि यम भी एक था। लेकिन 2005 में माइक ब्राउन ने एरिस की खोज की। शुरुआत में एरिस प्लूटो से भी बड़ा माना जाता था और इसलिए नासा ने इसे 10वां ग्रह घोषित कर दिया था, पर विज्ञान जगत में ग्रह की परिभाषा को लेकर इस पर विवाद छिड़ गया। इसलिए 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ग्रह की परिभाषा और मापदंड तैयार किया और प्लूटो और एरिस दोनों ही इस मापदंड में पूरे नहीं उतर पाए और इन्हें ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह कहा जाता है। इसका मतलब है कि अब हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और 5 बौने ग्रह मौजूद हैं और ये 5 बौने ग्रह हैं सेरेस, प्लूटो, हाउमे, मेकमेक और एरिस।
और इन बौने ग्रहों में से तीन बौने ग्रह प्लूटो, हाउमे और मेकमेक काइपर बेल्ट में मौजूद हैं। और नंबर पांच पर है बृहस्पति का लाल धब्बा। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर मौजूद एक लाल धब्बा है जो कि एक विशाल तूफान है। ये तूफान इतना विशाल है कि इसका आकार धरती से भी बड़ा है। ये तूफान बृहस्पति पर 300 सालों से भी ऊपर से बना हुआ है और ये कुछ 100 साल तक और रहेगा। बृहस्पति सिर्फ अपने लाल धब्बे का और विशाल आकार की वजह से ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह ग्रह पृथ्वी के लिए खास तौर से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है कि यह सौरमंडल के बाहर से आ रहे खतरों से पृथ्वी को बचाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण की वजह से धूमकेतु और अन्य क्षुद्र ग्रह इसके ओर खिंच चल जाते हैं और हमारी पृथ्वी सब खतरों से सुरक्षित रहती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही साइंस और फिक्शन की बातें और साथ ही साथ टेक्निकल ट्यूटोरियल आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।